सर जल्दी से आके बैठे, क्या हो गया? भाई ये जगह नहीं है सीखने की, आप समा की जो एकेडमी है ना उसमें आइएगा, वहाँ आपको बताएंगे कि किस तरह आपकी टेक्निक ठीक होनी है। मेरी भी टेक्निक ठीक, आपकी भी हो सकती है, आप अभी इधर आए। अच्छा मैं आपको बैठाता हूँ, बैठना कैसे अभी ये भी बताता हूँ, बैठना भी सिखाएंगे प्लीज। ऐसे बैठे, बिल्कुल जी। सो वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल, एंड हमारे हौसला रखे, सब सीखेंगे, सबको सीखने का मौका मिलेगा। अपनी वीडियोस भेजना शुरू करें समा एकेडमी, क्या बता? बिल्कुल समा एकेडमी, अगर आप में कोई भी फास्ट बॉलिंग है या अगर आपके पास स्पिनर हैं, बैटर हैं, विकेट कीपिंग है, आपको इंटरनेशनल कोचिंग की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जब लड़के खेलते हैं, पाकिस्तान के लड़के हैं, किसी भी टीम का उनको कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो एक आम पाकिस्तानी के लिए समा जोर का जोड़ लाया है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग कर चुके हैं हमारे तमाम जो लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है, हर कोई या इनसे सीखता है, हम भी इनसे सीखते हैं बैठ के। लेकिन आपके पास ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, फास्ट बॉलिंग आपको लगता है कि थोड़ी बहुत आपको वहाँ पर ट्यूनिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने वीडियो क्लिप्स, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर को नोट कर लें, इस नंबर के ऊपर अपने उस स्किल की वीडियो बनाकर भेजें। 2 से 3 एंगल से आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाएं और उसको एडिट करके जोड़ के एक वीडियो बनाकर जहाँ पर आपको लगे कि स्लो मोशन ऐड कर सकते हैं, आप वो ऐड करें, वीडियो हमें भेजें। हमारे लेजेंड्स यहाँ पर आपको पहले अपनी राय देंगे, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस देंगे और आपको बताएंगे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम 4 ऐसे हुनरमंद बच्चे जो हैं वो चुनेंगे जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा टैलेंट होगा। माशाल्लाह आप सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन 4 टॉप के जो बच्चे हैं, आप लड़का हैं, लड़की हैं, कोई जेंडर का इसमें नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, आपने अपना टैलेंट भेजना है। टॉप जो टॉपर्स हैं 4 वो आएंगे समा अकेडमी में, उन्हें 4 बच्चों को हम चूज़ करके यहाँ पर इनसे कोचिंग दिलवाएंगे। उमर एक चीज़ हम और ऐड कर लें, क्योंकि आप ये तो अपने स्किल्स की बात हो रही है, मगर अगर साथ ही साथ आप कोच हैं और आप कोचिंग कर रहे हैं किसी लड़के को या किसी लड़की को, और आप नहीं उस एक कहते ना एक डेडलॉक पे पहुंच गए जहां से आप नहीं निकल पा रहे, आप उसकी भी वीडियो हमें भेज सकते हैं। और हमारे जो यहाँ पे हमारे लेजेंड्स बैठे हैं ऑब्वियसली कोचेस को भी गाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन कोचिंग एट द हाईएस्ट लेवल। सो यस, आप लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। और कहाँ भेजें वीडियो? आपने नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर को नोट करें और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। ये नंबर अब आप नोट कर लें, 03177770795 है ये नंबर, आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आपका टैलेंट हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे भी, फिर आपको बताएंगे भी कि क्या इसमें बेहतरी हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कितना जबरदस्त नोट किया कि उमर ने तो नंबर याद कर लिया, बिकॉज सबसे ज्यादा वीडियोस उमर भेजने वाले। देखिए मैं मुझे तो कोचिंग मिल रही है, कितना जबरदस्त बैठा हूँ, एक कोचिंग के बगैर आप ऐसे बैठ सकते नहीं, मिल रही फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग मिल रही है। ये भी देखिए मेरी खुशकिस्मत ही है। देखिए इधर हम जब खेलते हैं तो यूसुफ भाई ने बताया कि फुट जो मैं लागे लाता हूँ वो थोड़ा सा, बेशक प्रोफेशनली मैंने नहीं खेलना, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन मुझे पता अब चला आकर कि मैं ये गलत करता रहा हूँ, क्योंकि हम खेलते तो हैं क्रिकेट, हम सब खेलते हैं, और मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की जब क्या बात है। मोहल्ले में आप खेलेंगे तो अब लोग कहेंगे क्या फर्क आया हूँ, क्या बात है, तो वो नहीं खुद कह देंगे, वो प्रोग्राम तो देखते होंगे, वो खुद ही कह देंगे यार कवर ड्राइव तेरी ठीक होगी, ऑन ड्राइव तेरी ठीक होगी, यूसुफ साहब को हमें भी यूसुफ साहब के पास ले जाओ। देखिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। उनको कहना, फिर उनको कहना भाई मुझे तो फ्री काम किया है, यूसुफ साहब अच्छे भले पैसे चार्ज करते हैं। चले जी, खुशकिस्मती हमारी तो ये। हाँ, बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जो हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ के ऊपर, हमारे जो है वो डिस्कशन आगे बढ़ी थी, और एक बहुत सीरियस जो हमारा एक कंसर्न था वो यही था कि क्या हारिस रऊफ पास्ट में भी जब विकेट्स ले रहे थे, वॉज इट बिकॉज के शायद शाहीन ऊपर से ब्रेक थ्रू दे देते थे और उसके बाद एक बैटर आके सेटल हो रहा होता था, और उस टाइम में हारिस कैपिटलाइज्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, मे बी दैट वॉज द रीज़न, या फिर जो है क्या डिफरेंट हो रहा था मुझे, क्योंकि हारिस ऐसा नहीं, ही इज़ नॉट बीन इफेक्टिव इन ODIs, बट दिस इफेक्टिवनेस नॉट वॉट वॉज नॉट हियर, वॉज इट फटीक और वॉज इट दिस? आई थिंक ब्रेक में यूसुफ बात कर रहे थे, यूसुफ क्या बात कर रहे थे कि ये क्या हो सकता है कि, देखिए एक तो फटीक भी हो सकता है और दूसरा ये है कि अपना अगर अर्ली ऑन विकेट्स ना मिली हो, अगर हमारे हम लोग खेल रहे हैं, अगर ऐसे बैट्समैन मैं खेल रहा हूँ और मैं सेट हूँ, मैं 8-10 ओवर खेल लिए हैं और कोई नया बॉलर आता है तो उस पे चांस होते हैं ज़्यादा रन्स बनाने के, ठीक है, क्योंकि वो अभी सेट हो रहा होता है और ये तो बैट्समैन ऑलरेडी सेट है, और अगर आप
दो विकेटें ऊपर से गिरी हुई हैं, बैट्समैन भी नहीं आया और फिर आप आए हैं, तो फिर उस वक्त कोई और सिनेरियो होता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये भी देख लेना चाहिए कि क्या पास्ट में जो विकेटें ली हैं, ऐसे तो नहीं कि ऊपर से शाहीन और नसीम ने विकेटें ली और फिर ये आता था। Exactly. इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन फटीक भी हो सकता है ये भी। और वैसे तो हम प्रोफेशनल हैं, फटीक है या नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि जो राइट एरिया है वहाँ पे तो बॉलिंग करें एटलीस्ट। और लेकिन ये सिनेरियो भी हो सकता है कि ऊपर से जो विकेटें मिली हों फिर आपके लिए इजी होते। मैं अगर 10 ओवर खेला हुआ हूँ, मेरे सामने कोई भी आएगा तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा उसको खेलना, क्योंकि उसने अभी सेट होना है, मैं ऑलरेडी सेट हूँ। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, वैसे बहुत वैलिड पॉइंट है। आई थिंक कोई सेट बैट्समैन खेल रहा होता था ना, चाहे उसको हमारी गूगली समझ आई या ना आए, कोई मिस्ट्री स्पिन, जब वो सेट हो रहा होता है ना, तो उसकी नजर, उसका फुटवर्क, उसका हर चीज चल रहा होता है, तो उसको बॉलिंग करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कन्वीनियंट हो जाती है ना, रिफ्लेक्सेस सेट हो जाते हैं, इतना आया होता है 25-30-40 रन लगे होते हैं, उसका ब्लड फ्लो चल रहा होता है, उसको गैप्स नजर आ रहे होते हैं, बड़ा इजी हो जाता है 8-10 ओवर आपने खेले। दो के हम जो है ना बड़ा खुश थे कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हो रहा है, सो दैट वी कैन गेज दैट प्रैक्टिस बिफोर वर्ल्ड कप और हम फायदा उठा सकते हैं। मगर मुझे लगता है एज बीइंग द होस्ट हमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ द रिग्रस ट्रैवलिंग दैट टीम पाकिस्तान हैड टू डू। एक दिन पाकिस्तान में, तो अगले दिन श्रीलंका में, देन पाकिस्तान में, देन श्रीलंका में, सो इवेंचुअली सबसे ज्यादा नुकसान आई बिलीव टीम पाकिस्तान ने उठाया उस चीज़। द ग्राउंड रियलिटी तो है ये, इसको डिनाई नहीं कर सकते, लड़के फटीक्ड हुए हैं, मतलब इतनी इतनी ट्रैवलिंग मैच के बाद इधर से उधर, उधर से इधर, बट कमिंग बैक प्रोफेशनलिज्म की बात करें, फिर आपको बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करना चाहिए, फिर आपको हारिस को शाहीन को मैच के डर के निकाल के ना, हार का डर निकाल के, एशिया कप का डर निकाल के, वर्ल्ड कप को सामने रख के, फिर हमें फैसले तगड़े करने चाहिए थे, फिर जुमान को खिलाना चाहिए था, फिर आपके जो वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए था, फिर आप तीन तीन स्पिनर खिलाते, क्योंकि श्रीलंका की पिचेस पे आपके स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव थे, तो वहाँ पे आप अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट दे लेते, टीम के साथ वो ट्रैवल करते, मैच ना खेलते। मैं आपको एशिज का एक वाक्य सुना देता हूँ कि हम एशिज पे गए, इंग्लैंड वालों ने ब्रॉड को, जिमी एंडरसन को, फिन को, स्टीवन फिन को, और ट्रैमलेट एक होता था बड़ा लंबा फास्ट बॉलर, वो चार फास्ट बॉलरों को, हम जा रहे हैं किसी और शहर में, इनको ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट मैच था, तो ब्रिस्बेन में दो हफ्ते पहले बॉलिंग कोच के साथ बिठा दिया क्लाइमेट्स को यूज होने के, ब्रिस्बेन की जो गर्मी है ना वो सबसे ज्यादा गर्मी है, एडलेट की, पर्थ की और ब्रिस्बेन की, ये गर्मी बहुत यहाँ पे ह्यूमिड बहुत होता है, तो उन्होंने कहा कि जी आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करें, एक्लाइमेटाइज करें, डोंट यू वरी अबाउट द 4-day क्रिकेट एंड ऑल द अदर क्रिकेट। तो जब ये तीन चार चीज़ें जैसे ही उन्होंने की, तो जब वो पहला मैच खेले तो यकीन करें वो अफेक्ट किया, उनका वो यूज़ थे, उन्होंने अपने लंबे लंबे ओवर भी किए, और उस वक्त पहली दफ़ा इंग्लैंड ने 3 एशेज ऑन अ रो जीते, क्योंकि दे वर प्लानिंग वाइज दे वर फार अहेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो यही है ना कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और प्रोएक्टिवली डिसीजंस लेंगे तो फायदा होगा। मूविंग ऑन फर्दर, अगले बॉलर की तरफ जाते हैं, हमारा अगला स्पीयर हेड बॉलर इन द स्पिन डिपार्टमेंट शादाब खान। शादाब की ना एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस आई, बट नाउ शादाब से पहले हम उसे देखने या शादाब खान और एक ओवर बॉलर्स का भी अगर आपके पास रेडी हो जाए तो पूरे वर्ल्ड कप में जो फास्ट बॉलर्स के स्टैट्स रहे हैं वो भी अगर आप दिखा चाहें तो हमें वो भी दिखा सकते हैं। और जब फास्ट बॉलर्स के अगर हम देखें तो उसमें इंडियन जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बड़े टॉप पर आ रहे हैं, वो हम सब जानते हैं, इस पर कोई दोराय नहीं है, उन्होंने बॉलर ओवर्स भी कम किए हैं, उसकी रीज़न है कि उनके पास स्पिनर्स भी विकेट्स पूरी ले रहे हैं, नंबर दो 50 ओवर से पहले दूसरी टीम को आउट कर रहे हैं, हमने 50 ओवर बॉलिंग पूरी करनी है, बैटिंग में हमने एक्स्ट्रा बैटर खिला के भी हमने 50 ओवर पूरे नहीं खेलने हैं। तो यहाँ पर भी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है, शराब से पहले यूसुफ ने जो कहा है ना, इंडिया वो कर रहा है जो पाकिस्तान पहले करता था, इंडिया क्या कर रहा है, बुमराह आउट कर लेता है, एक दो विकेटें ले लेता है, या शामी ले लेता है, या सिराज ले लेता है, उनके स्पिनर से आने पहले उनकी दो विकेटें पहले 10 ओवर में गिरी होती हैं, जो जो तीसरा सीमर आता है, जो भी बॉलर आता है, उसके पास प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार खड़ा होता है कि उसको अपने डर नहीं होता कि ये मेरे पीछे जाएगा, वो कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि दो विकेटें गिरी हैं, मैंने आके विकेट लेनी है, उनके डर ये नहीं होता कि जिस तरह यूसुफ ने कहा ना कि 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी, 70 रन लगे हुए हैं, तो मैं यार बड़ा केयरफुल होकर करना है, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। सो आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज दैट शादाब खान हमारे स्पिन को लीड करने गए थे ये वर्ल्ड कप में, रैंक 80 ऑफ 80, और एवरेज में स्ट्राइक रेट में भी 80 ऑफ 80, दो विकेट्स हासिल किए हैं महज जिन्होंने इस वर्ल्ड कप कैंपेन में, इकोनॉमी रेट 6 से ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट 114, यानी कि दो मैचेस में एक विकेट, अगर 10-10 ओवर का कोटा मुकम्मल करते हैं फिर। आई थिंक शादाब को सबसे पहले एक तो क्रेडिट देना चाहिए किस चीज़ का, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और इन्होंने एग्री किया कि आई लेट माई टीम डाउन, आई लेट माई नेशन डाउन. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्री करना मेंटली. और ये बहुत बड़ी बात होती है कि पब्लिकली आके आप कहें मैं डिलीवर नहीं कर सका जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे ऊपर, नंबर वन. नंबर दो, हर बार बार फिर वही बात आती है कि आई थिंक दे नीड सम टाइम हेल्प. डजंट मैटर शेन वॉन है आप, अनिल कुंबले हैं या मुरलीधरन है या सकलैन मुश्ताक हैं, आप जितने मर्जी बड़े स्पिनर हों, जब आपको कई दफ़ा ऐसे फेस के ऊपर ऐसे मेंटोरशिप चाहिए होती है जो आपके कुलीग होते हैं, जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, जो आपकी फील्ड के, वो अगर आपके साथ बैठ के 5-10 मिनट बात करते हैं, आपके एक्शन की बात करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करते हैं, आपको निकालते हैं, आपके एंगल चेंज करते हैं. देखें ना, अगर कोई भी उधर को स्पिन बॉलिंग कोच होता तो उसने पता क्या करना था, उसने कहना राउंड द विकेट आ जाओ, 2-3 ओवर राउंड द विकेट करो, तुम्हारी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी. आपने परफॉर्मेंस करवानी होती है ऐसे टूर के ऊपर. फिर वो जब बंदा बात करता है ना किसी के साथ जाके जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर आपके प्रेशर ऑफ होने लग जाते हैं. पूरे एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि शदाब किसी से बात करता होगा. मेंटली बड़ा टफ लड़का है, यू नो, बड़ा बहुत टफ लड़का है, बहुत टफ क्रिकेट खेलता है. मगर सम टाइम जितने मर्जी आप टफ हो, आपको एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है जहां से आप दिल की बात करें कि यार मेरा गेंद नहीं गिर रहा, मैं क्या करूं, मैं किस तरह जाऊं, मैं क्या मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, ये टूर्नामेंट को जिताने वाली चीजें होती है. ठीक है यूसुफ भाई, एक ऐड कर दीजिएगा जल्दी से इसमें, अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी बोलिएगा. शादाब खान का वापस आकर क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए या पाकिस्तान वनडे कप में जाना चाहिए, जो मसाइल बता रहे हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए? मेरे ख्याल उसने खुद ही कह दिया कि मैं इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका, लेट डाउन किया टीम को. मैं अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि उसे अब क्या करना है. तो जब आपने बेहतरी की तरफ जाना होता है तो आपको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, और मेरा ख्याल खेलेगा आगे. आई होप ये देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है, वरना तो एशिया कप में अगर वो रियलाइज़ कर लेते तो शायद जो बीच का टाइम फ्रेम था जिसमें हम बार बार बात कर रहे हैं, वहाँ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते तो वर्ल्ड कप में सिनेरियो डिफरेंट होता. वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बट यहाँ पे हमारी डिस्कशन ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुई है. सो यस, 5 बजे फिर जब हम वापस आएंगे जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे, वील कंटिन्यू टू एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड एंड हाउ वी कैन अमेंड दीज थिंग्स. विद दैट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा और मेयर को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.